हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल? आई एम बैक विद अनदर रिएक्शन वीडियो। तो आज मैं फिर से देखने वाला हूँ पू इन कोरिया की वीडियो, मीट माई फैमिली पू इन इटाली। तो देखते हैं सब लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी। जो लास्ट वीडियो हमने देखी थी इनकी, लास्ट डे इन कोरिया, उसी का अगला पार्ट है आई थिंक। तो देखते हैं सब लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगेगी, तो एंड तक लाइव देखना। चलो फिर शुरू करते हैं। वाओ, होम डैड। हाँ, डैड का फेस नहीं दिखाया अभी। ब्रदर्स, अच्छा इनकी मॉम भी बड़ी है, स्वैग वाली। बड़ा स्वागत किया हुआ है लग रहा है। गुड बाय कोरिया, हाँ लास्ट वीडियो। हेलो डैड, माय फैमिली इज वेटिंग फॉर मी एट द एयरपोर्ट। आई एम सो हैप्पी। ओके, हाँ यहाँ से लास्ट वीडियो खत्म हुआ था। मॉम, जादू की छपी, ये क्या पकड़ा हुआ है? फूल तो नहीं कहीं लग रहे हैं। हैप्पीनेस, मम्मी इमोशनल हो गई इतने टाइम के बाद। थ्री इयर्स ना। ये रहा मेरा छोटा भाई, वो रहा मेरा बड़ा भाई। एक्चुअली दोनों ही मेरे से छोटे हैं। वाह, मम्मी की फैशन लेगिंग्स और ये बुंदिया वाली टी शर्ट। गुड गुड गुड। पापा इसलिए नहीं आए क्योंकि पापा की वो नाइट वाली शिफ्ट चल रही है, तो वो अभी तक जॉब कर रहे हैं, तो उसकी वजह से वो नहीं आए। लेकिन मम्मी आए, मेरे दो भाई आए, और वहाँ पर रहे काना जी। खोलो गाड़ी। ओके, सामान डालो डिक्की में। ये रहे मेरे दोनों मुफ्त के मजदूर। ये मम्मी के अजीब गरीब फैशन, सैंडल के ऊपर जुराबे पहन रखी है। ये मेरी स्टाइल है मम्मी की। ये रही मैं, ये रहे मेरे दोनों भाई, वो रही मेरी मम्मी। तो गाइस, अभी हम कुछ नाश्ता करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, जो कि है ऑटो ग्रिल। अभी हम यहाँ पे खाना ऑर्डर कर रहे हैं। गाइस, ये रहा इटालियन स्टाइल पिज्जा, ये रहे इटालियन साइज चुपा चुप्स। ये मेरे थोबड़ से भी ज्यादा बड़े हैं, वही मैं देख रहा। ये रही मेरी कॉफी और ये रही अजय की पनीनी। इसके अंदर है चीज, हैम और टमाटर। टमाटर, गुड गुड गुड। कॉफी, चीयर्स। नींबू का पेड़, इंडिया में नींबू सोने के भाव के होते हैं, और हमारे पास पूरा का पूरा पेड़ रहा। कौन सी कंट्री है? पापा आए घर पर, वो गेट खोलेंगे, वो ड्यूटी से आ गए। सारी अपनी है। ये खड़े हैं, स्टार्टिंग में देखा था। संस्कारी थू। टिक्का नजर उतारी ना, काजू तो है ही नहीं। अरे मेरी आंखों से काट लूंगी। मेरी बेटी गरी आई हो राम जी, मेरी बेटी गरी आई हो राम जी। नो, वाह, ये क्या है? झाड़ू है, गुलदस्ता है, ये क्या चीज है? ये तो मेरे से भी ज्यादा बड़ा है। झाड़ू या गुलदस्ता, कोई नहीं। सो स्वीट यार, बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे साफ सफाई कौन करेगा? मैं तो नहीं करने वाली। अब तू करेगा? One hour later. ये वाले हैं क्रिस के मम्मी पापा की तरफ से। वो तो इंडिया में भी मेरे लिए वो पट्टी भी धुआई थी, हमेशा करते रहते हैं। इसके अंदर है स्किन केयर आपके थोबड़े पर लगानी है क्या? पहले नेक्स्ट के लिए तैयार हो? आंखें बंद करो, ओपन, आंखें खोलो। ये है क्रिस की तरफ से। तो ये वाले हैं सनग्लासेस, और उसने वो लिपस्टिक, लिपस्टिक भूल गया। लिपस्टिक। एक तो है आपका और एक है पापा का कपल, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, तो धूप के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। और ये वाली है, इसके ऊपर टी शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है सोल। वाह, टी शर्ट पहन के लिए अपने ब्लॉग पर्ची है ना इसके ऊपर, तो आप लोग देख लेना। खोलो, ये मेरी तरफ से। क्या है?
ये है गले में पहनने का और ये रहे इयररिंग्स। Okay. बेटी पर आई हो जैसी बेटी भी बेटा बन सकती है। कैसा लगा आपको बताओ, झूठ नहीं बोल रहा है कैमरा के सामने। क्या लगी बोलिए, झूठ की बात नहीं भाई, मैं फालतू का खर्चा करे मेरे को अच्छा नहीं लगता ना भाई। ₹33 तो मम्मी इसमें क्या थोड़ी कोई बड़ी चीज है। हट। So guys, मैं फाइनली घर पर आ चुकी हूँ, मेरा जोरदार का स्वागत भी कर दिया, ये तिलक भी लगा दिया और पता नहीं ये क्या क्या लगा दिया बालों में। अभी अजय वापस जॉब पर चला गया क्योंकि उसकी नई नई जॉब लगी है तो वो ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकता, और जो पापा है ना वो बहुत ही कैमरा शाई है तो वो आपको ज्यादा कैमरा पर नहीं दिखेंगे। एनीवे गाइस, इतने लंबे सफर के बाद में मेरे जो कपड़े हैं उनमें से बदबू आने लग गई है तो मुझे अभी ठंडे ठंडे पानी से नहाना है। ये रहा बाथरूम, मम्मी ने मुझे ये वाली हेयरबैंड दी है बालों में लगाने के लिए और इनको देख के मुझे मंगम की याद आ गई। एनीवे गाइस, अभी हम जल्दी से नहाते गाइज। अभी मैं नहा धोकर आ गई हूँ, बहुत ही रिफ्रेशिंग फील हो रहा है और अभी हम कुछ अच्छे से कपड़े पहनते हैं। ये रही मेरी वार्डरोब और इसके अंदर से कुछ रैंडम कपड़े पहनते हैं। हम ये फीला वाली टी शर्ट और ये ब्लैक पैंट पहनते हैं। तदान गाइज, मैं वो टिकटॉक वाली ट्रांजिशन करेंगे नहीं। इस टॉवल को बाहर सुखा के आते हैं। स्ट्रगल क्या हैशटैग था गाइज। ये रहा आज का पहला इटालियन लौंडा जो की जिम जाने वाला है मुझे लगता है। अभी चेक करके आते हैं कि मम्मी क्या कर रही है। ये रही किचन, मम्मी क्या कर रहे हो? कोई बात नहीं, अच्छे दिख रहे हो मम्मी। गाइस, ये रहा मेरा बेडरूम और मम्मी किचन में खाना बना रही है। और एक्चुअली मैं आपको मेरे घर का टूर करवाना चाहती हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि एक महीने पहले मेरी फैमिली इस नए घर में शिफ्ट हुई है तो उसकी वजह से जो सामान है ना वो काफी बिखरा हुआ है। सो कुछ टाइम लगेगा घर को ऑर्गेनाइज करने में और उसके बाद में मैं आपको पूरे घर का टूर करवा सकती हूँ। एनीवे गाइस, बहुत ही भूख लगी है और इतने सालों बाद में मम्मी के हाथ का खाना खाने वाली हूँ। सो आई एम सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी। अभी चेक करके आते हैं कि खाना बना या नहीं बना। मम्मी क्या कर रहे हो? आटा लगा रही हूँ। और यहाँ पर रही बाटी, लगता है मम्मी दाल बाटी बनाने वाली है। बनाने वाली हूँ, बना ली। ये बाटी बन रही है, दाल बना के पहले सही रख दी, बटे की सब्जी बना रही हूँ। गुड़ गुड़ गुड़, और वीडियो के लिए देखो अच्छे अच्छे कपड़े भी पहन लिए। सो गाइस, फाइनली लंच तैयार हो गया। यहाँ पर रही घी की रोटी, अचार, चूरमा, दाल बाटी, कुछ मिठाई, यहाँ पर और मिठाई, अंगूर, ककम्बर, यहाँ पर रही सब्जी, ये रहे मीठे चावल, और यहाँ पर रहा लास्ट गट्टे की सब्जी। इतना सारा मैं कैसे खाऊंगी मम्मी? मम्मी ने 3 साल का खाना एक बार में ही बना दिया। मम्मी पानी की बोतल कम खाऊंगी। यम्मी यम्मी वाला खाना खाते हैं। फाइनली 3 साल के बाद मम्मी की हाथ की बनाई हुई रोटी। मम्मी खाना खा लो। मम्मी डाइटिंग पर चल रही है, वो घास फूस खाती है। ये क्या था? गुड गुड गुड। मम्मी आप तो बोल रहे थे डाइटिंग करोगी, ये सब क्या है? एंजॉय योर फूड मम्मी जी। थैंक यू। सो गाइस, जो मेरा लंच है ना वो मैंने पूरा चाट लिया है और इतना सारा खाना मैंने पता नहीं कब खाया होगा। मम्मी थैंक यू खाने के लिए। जूता का बैग इतना हो रही है क्यों? हाँ बोल, मम्मी को भी कोई थैंक यू बोल देगा। फिर भी इतनी मेहनत करके खाना बनाया है तो, और तेरे को पैदा करी जब मैंने। हाँ ठीक है, बस बाय 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 बाय। इंडियन मम्मी को तो सिर्फ मौका ही चाहिए बच्चों को रोस्ट करने का। सो गाइस, इवन तो यहाँ पे अभी 5:30 बजे है, मुझे बहुत ही नींद आ रही है। इतने लंबे सफर के बाद में मुझे सिर्फ 5-10 घंटे आराम से सोना है और फाइनली 3 साल बाद में पूरी फैमिली से मिलकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। इवन दो जो अजय है ना उसकी ड्यूटी चल रही है, अब्बे के फाइनल एग्जाम चल रहे हैं हाई स्कूल में, और जो पापा है ना उनकी भी ड्यूटी चल रही है, वो भी काफी बिजी है, तो हमें ज्यादा मौका नहीं मिलता एक साथ खाना खाने का, एक साथ बातें करने का, लेकिन फिर भी इतना तो चलता ही है। और मुझे पता है कि आप लोग में से बहुत सारे लोग जो कोरिया के व्लॉग्स है ना वो मिस करने वाले हैं, लेकिन प्लीज आप पू दीदी की दिल की बात भी समझने की कोशिश करिए कि फाइनली पू दीदी इतने सालों बाद में अपनी फैमिली से मिल रही है। और ऐसे वैसे कोई बात नहीं कि मैं कोरिया कभी भी नहीं जा रही, मैं ऑफकोर्स वापस कोरिया जाऊंगी क्योंकि वहां पर मेरा जॉब है, मेरी लाइफ है, मोंग मोंग है, तो मुझे ऑफकोर्स जाना पड़ेगा। और जो मेरी छुट्टी है ना वो 2 महीनों से कम है, तो आपको ज्यादा इंतजार करने की भी जरूरत नहीं है। और ये बात मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब मैंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी लगाई थी कि मैं कोरिया छोड़ के मेरी फैमिली से मिलने जा रही हूँ वेकेशन के लिए,
तो बहुत सारे लोगों ने मुझे डीएम करा था और बोला था कि प्लीज दीदी आप अपनी फैमिली से मिलने मत जाइए, आप सिर्फ कोरिया में रहिए, हमें कोरियन ब्लॉग चाहिए, आप प्लीज अपनी छुट्टी कम करके जितना कम टाइम हो सके आप अपनी फैमिली से मिलिए और जल्दी से वापस कोरिया आ जाइए। और वो पढ़ के मुझे बहुत ही सैड फील हुआ था कि अरे इतने सालों बाद में मेरी फैमिली से मिल रही हूँ, आपको मेरे लिए खुश होना चाहिए, लेकिन आप बोल रहे हो कि प्लीज आप वापस कोरिया चल जाओ। और जब मैं कोरिया मेरी हालत बहुत खराब हो गई थी, मेरी जो हेल्थ है ना वो बहुत ही खराब हो गई थी, मैंने आपको बताया भी नहीं, लेकिन मुझे कोविड हो गया था। तो ऑफ कोर्स क्रिस के पेरेंट्स हैं, क्रिस से मेरा ख्याल रखने के लिए, लेकिन वो सेम बात नहीं होती ना कि आपकी मम्मी आपका ख्याल रखे, आपको अच्छा अच्छा खाना खिलाए। तो आई एम सो हैप्पी कि मैं यहाँ पर आ गई ताकि कि मैं अपनी सेल्फ केयर कर सकूं, थोड़ा रिलैक्स कर सकूं, अच्छा खाना खा सकूं और वापस हेल्थी होके कोरिया जा सकूं। एनीवे गाइस आई एम सो सॉरी कि मैं आपको इतनी बकबक के साथ पका रही हूं, तो अभी मैं थोड़ा आराम करने जाती हूं, थोड़ा सोती हूं। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आप आज का भी ये व्लॉग पसंद आया होगा और मैं आपको जल्दी से मेरे वीडियो में मिलूंगी। सो तब तक अंदर खुश रहिए, फिर बाय। ओके सो ये थी वीडियो यार, मीट माई फैमिली। सो हमेशा की तरह कमाल का व्लॉग, बहुत अच्छा व्लॉग, सब लोगों को अच्छा लगा होगा, कॉमेंट्स बताना। और बहुत ही स्वीट फैमिली है पोकी, जो मैंने लास्ट व्लॉग देखा इनका, अगर वो आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो लास्ट में जाके देखना, आप लोगों को मिल जाएगी आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं दे दूंगा, जो इनकी मम्मी ने व्लॉग बनाया था उस वीडियो का, जो जू में गए थे ये घूमने फिरने, तो फैमिली ट्रिप पे। सो वो वीडियो लाजमी देखना और होप सो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, इधर भी कहीं नहीं आ रहा, तो जल्दी से जाओ फॉलो करो जाके। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।